पिंड चुमो हाँ जी तो ठोडी कुड़ी की हुई है जी बाहर गगनदीप नाल जिहड़ा ब्याह होया हाँ जी हाँ जी की मामला जी जिहड़ा सुसाइड कीते मुंडे इहदा अजे कोई पता नहीं मामले का ते नवा पता लग जूगा जी जिवें कहिंदे आ जिवें मुंडे दी भैण कह रही है भी कुड़ी साडे मुंडे नूं देखो जी नहीं जी इह तां कहिण दीआं गल्लां ने हुण देखो मैं कल फोन करिया किरन नूं फोन करिया ते मैं कहा पुत्त मेरी गगन नाल गल करा दे कहिंदी माचड़ जी कहनी मैं तो बुला नहीं है किरन कहनी मैं लापा नूं फड़ा दिंदी हाँ फोन ये चाचे की कुड़ी अपने घर रेंदे आ रोटी रूटी लाने कहनी मैं लापा नूं फड़ा दिंदी हाँ फोन भी ये गल कर दो करा दू तेरी कहनी मैं तो बुला नहीं है इन्होंने ये गल करी ब्याह नूं देख लो जी हो गए पांचवें महीने नहीं खाने चार पांच तरीक बाहर गई है जी अपने 23 अप्रैल में किस तरह किया गया पैसे थोड़े कोलों लै गए ना जी ना पैसे ना अपने वीर जी कदे कुड़ी ने कोई गल की है भी मैं उधरों पैसे मंगवाए या जाओ मुंडे ने तो ना फौड़न की ना जी कोई इदा का है ही नहीं लड़ाई झगड़े की गल आ गलबात तो है ही नहीं जी कोई जी आ हो रही है तो कोई सोचा ही नहीं करे जिंदगी थोनू की लगता किस की गल किस गल हो सकती है ये हम की कह सकते हैं दसो मेरे ना पहला गल करके टाइम पता करो कैके गए मैं उतो आया मरेक होटल कम तो है उ आ गया मैं कपड़े भी नहीं बदले गगन मेरे को रोड़ा रह के आया जी रात पांच छे दिन हो गए ਘਰੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸੁੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਗੋਸਲਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 11:30-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਫੋਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਆ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਫਿਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੱਲ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ
सर मेरा नाम किरणदीप कौर है जी। पिछले सितंबर के मेरे ब्रदर की मैरिज हुई सी। सारा खर्चा जो भी सीगा वो सारा असी अपने वालों किया। सारी शॉपिंग वगैरह असी अपने वालों करवाई भाभी नूं, ते सारा खर्च करके असी उन्हां नूं बाहर भेजिया। वो डेली मेरे ब्रदर नूं फोन ते टॉर्चर करते रहिंदे सीगे भी मैं सुसाइड कर लैना, मैं इदां कर लैना है। तो है ना उन्होंने मतलब कि जो मेरे ब्रदर ने सुसाइड किया तो वह मैनू उस टाइम तुरंत फोन कर रहे हैं। उस टाइम मेरे ब्रदर के फोन पर लास्ट सीन है तो उस टाइम सेम टाइम पर वो मैनू फोन कर रहे हैं। मेरे फोन का नैट ऑफ होने करके मैं उन्होंने फोन अटेंड नहीं कर पाई। फिर मैंने उन्होंने फादर साहब ने फोन किया, मेरे ब्रदर के सहुरा साहब ने मैंने फोन किया। वो कहें भी गगनदीप ने नाल मेरी तुरंत गल करवाओ। तो है ना जो सर असी उपर जाके देखा कि असी गेट खड़काया तो है ना असी गेट भन्या मतलब साटो गेट खुलिया नहीं गा, अंदरों ना कोई आवाज़ आई है। फिर असी आंढ गुआंढ के सारियां उन्होंने आके अंदरों गेट भन्या तो फिर वो इदा पखे ना लटके हुआ सानू मिले। नाम की छोटे ब्रदर है जी गगनदीप सिंह जी। कुड़ी जी तुसी मैरिज करके बाहर भेजियो केड़े पिंड तुसी की? चोमो तो सी सर। चोमो की नाम सी कुड़ी दा? सिमरनजीत कौर। केड़ी कंट्री भेजी है? कनेडा। कदों भेजी थी, कितना टाइम होया? 23 अप्रैल नु। 23 अप्रैल नु हां जी। ते लगातार फोन दे संपर्क च सी? हाँ जी लगातार डेली वीडियो कॉल से गल करते 7-8 घंटे डेली करते थे। उन्होंने थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता से, असं कोई इंटरफेयर नहीं करते। फोन से टॉर्चर की गल करते थोड़ा ब्रदर तुम दसता सी? हाँ जी हूँ मतलब कि हूँ थोड़े टाइम तो उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिता सगा भी हाँ मैं इदा कर लूँगी। वो कहती मैं सुसाइड कर लूँगी। तो फिर एक मतलब कि कह दिता कि वह इदा कहती है। उन्होंने मम्मी डैडी भी गल की है, वह मेरे ब्रदर ही ब्लेम करते रहते उल्टा। हाँ जी इंसाफ चाहिए सू हर हालत। हाँ जी मेरा नाम अमनदीप सिंह है जी। तो वो मेरा मेरा चचेरा भरा सी, मतलब मेरे चाचे का लड़का। ठीक है गगनदीप। हाँ जी गगनदीप। उन्होंने थोड़ा चिर पहला मैरिज हुई सी। तो मैरिज होने तो बाद रब जानदा की गल हुई है, बट वो तंग परेशान रहिंदा सी। मेरा कुड़ियां नाल गल्लां बातां हुईयां, इन्होंने दस्या भी वो पैसे की मंग करती सी, नजायज उन्हूं कहिंदी सी भी मैनू इहदे जो इहदे पैसे ला रहे सी, वो तो इन्होंने लगाए ने जिन्ने 20 लाख रुपए जिहड़े बाहर भेजण वास्ते। उन्होंने ब्याह तो बाद ब्याह तो इन्होंने सारा खर्चा ब्याह तो इन्होंने लाया सी। उस तो बाद जो ब्याह से खर्चा आया थी वह भी इन्होंने असी किया, मेरे चाचा जी उन्होंने किया। उस तो बाद इलावा भी वो मंग करती थी भी मैंने इन्ने पैसे दो। फिर उस तो बाद होर भी कई डिमांडा रखिया थी, जिमें हूँ उन्हें पिछे जो आईफोन लिया। ठीक है असी तो हूँ फीस ये भराई थी, चाचा जी ने जिनी भी कमाई थी फीसा फूसा तो लाती। ठीक नहीं हूँ ये गल्लां मैनूं वधिया नहीं लगियां, जिमें मोबाइल लिया उन्होंने क्योंकि उन्होंने पता भी है पढ़ाई के खर्चे वास्ते पैसे नहीं, ना कि मोबाइल लैन चुके। जब बंदे तो आप किसी के थ्रू बाहर जाने तो आपू कल का ध्यान रखना चाहिए भी असी वो पैसे मोबाइलों पर नहीं खर्च करने, असी अपना पढ़ाई पर खर्च करने। वो मतलब ये इन्हों की कमाई का ऐश आराम कर रहे, ऐशो आराम के मुंडे तंग कर लग गई होर पैसे वास्ते, जिसे वे सुसाइड आ गई। बाकी तफ्तीश चल रही है, जो पुलिस कार्रवाई करूगी वह निकले आना। हाँ जी पक्का ब्याह होया सी। ठीक है मुंडे नाल गलबात हुई थी, बाहर ले जावे। ठीक है सारा खर्चा साढ़े चाचा जी ने किया। कोर्ट मैरिज हुई हुई है उसके बाद जाना। खर्चा इन्होंने 26 लाख तो उपर आई। कुड़ी मुंडे नूं डिमांड करती सी, जो इन्होंने पैसे चाचा जी ने देते इन्हों तो पर्दे नाल उल्ले नाल कहिंदे डिमांड करती थी कुड़ी ने। जिथे तक मेरी गल हुई आ कहिंदी उस तो इलावा भी डिमांड करती थी मैनू आह कुछ भेज। जब उन्हें सुसाइड की आ जो टाइम से जो असी मोबाइलों पर चैक करे उस टाइम उसकी वीडियो कॉल आ रही थी। उस तो बाद सानू पता नहीं किसी भी डैथ हुई है जां किवें हुई आ। सानू उन्होंने उहदा गगन के सहुरा साहब का फोन आया, मास्टर जी नूं आया तो साड़ी कुड़ी नूं आया, कहिंदे भी वो मुंडे नूं उपर देखो की करन लग्गिया होया। सानू तो पता ही नहीं थी, जब असी उपर जाके देखिया कुंडा लग्गिया होया थी ना तोड़ के देखिया वो फाहा लिया होया सी उहने। सर गोसला पिंड तो मुंडे ने सुसाइड की थी, की मामला जी सर? फिलहाल तो जो मतलब कोई क्लीयर कट नहीं है, इन्हों के कहते मोबाइल से वीडियो का कोई देवे असं मोबाइल लवेंगे इन्हों तो जो कोई गल निकलूगी कोई फैक्ट आऊगा जी कार्रवाई की। परिवार वालों दोष लगाए जा रहे हैं भी उन्हें डिप्रैशन चाहिए कुड़ी तंग कर दी, कोई वो चीज़ तो मिली सूँ देन ना कोई सबूत तो देर अभी तक परिवार वालों कोई बयान नहीं दर्ज कराया? बयान दर्ज कराया गया, बयान के आधार से 174 की कार्रवाई की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं? कुछ नहीं मिले जो कोई यह जो भी सूँ देने जी यह कार्रवाई होगी तो कानून मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच थोड़ा की लगता जी भी हो सकता जो सुसाइड का कारण? हजे असं कुछ नहीं कह सकते बारे, पड़ताल तो ही पता लगेगा भी की हो सकता, जिदा भी पड़ताल होगी। मापे बार बार दोष ला रहे हैं भी कुड़ी सी जी वो भी बाहर भेजिए पैसे ला के।
तंग परेशान करना शुरू किया। वो भी तो उ कहें कोई मोबाइल के मिल सकता इन्हों के उस रहे हैं वो जो मोबाइल के सू देंगे कुछ मिलेगा उ कार्रवाई कर देनी फैमिली मैंबर वालों कोई बयान दिता नहीं बयान तो यही दिता गया फिलहाल तो मतलब 174 की कार्रवाई संबंधी ना उन्हें भैन जिमें कह रही है भी साढ़े गल करता रहा भी सू कुी तंग परेशान करती है भी मैं नहीं साढ़े सामने कोई गल नहीं आई है जी ये कुड़ी ने तो यह कहा भी मेरे ना तो गल ही नहीं की उन्हें मेरे बाप की रिटायरमेंट तो बाद ठीक है।